गावस्कर के डांट यशस्वी ने लगाई अंग्रेजों की वाट। इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी ने तोड़ा बेसबॉल का घमंड। जयसवाल का चला बल्ला दुनिया भर में मचा हल्ला। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में युवा भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल का बल्ला जमकर गरजा। उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज में 2 डबल सेंचुरी भी जड़ी और 712 रन ठोक दिए। इसके साथ ही वे सुनील गावस्कर के बाद भारत के सिर्फ दूसरे ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिनके नाम एक टेस्ट सीरीज में 700 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। अब सुनील गावस्कर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उन्होंने यशस्वी जायसवाल को उनकी बल्लेबाजी को लेकर फटकार लगाई थी। गावस्कर ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान कहा, यशस्वी को इतने सारे रन बनाते हुए और जिस तरह से उसे गेंदबाजी अटैक पर हावी करते हुए देखा, ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने दक्षिण अफ्रीका में पहले टेस्ट के पहले दिन 50 रन बनाने के बाद अपना विकेट फेंकने के लिए होटल की लिफ्ट में उसे हल्की फटकार लगाई थी और उनसे कहा था कि कभी भी गेंदबाजों पर एहसान न करें। शुक्र है उन्होंने मेरी बात सुनी और इस सीरीज में 2 बड़े शतक हासिल किए। 1971 में अपनी पहली टेस्ट सीरीज में 700 प्लस रन बनाने वाली घटना को याद करते हुए गावस्कर ने कहा, जब कोई खिलाड़ी किसी सीरीज में रन बनाता है तो वह बहुत अच्छा या बहुत भाग्यशाली होता है। मेरे मामले में ये अलग था क्योंकि गैरी सोबर्स ने मुझे मेरे पहले अर्धशतक और फिर मेरे पहले टेस्ट शतक में जीवन दान दिया था। अहम बात यह है कि सुनील गावस्कर एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं और उनका रिकॉर्ड इतने सालों बाद भी कायम है। सुनील गावस्कर ने कहा कि यशस्वी ने 3 और अर्धशतक जमाए और वह भूल गया कि मैंने उसे वहां क्या कहा था, लेकिन अरे जब कोई 20 साल का हो तो कोई किसी की सुनता है। मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह बड़े स्कोर तक जाएगा और यह कभी नहीं भूलेगा कि वो जो कुछ भी हैं वह भारतीय क्रिकेट की वजह से हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 2 दोहरे शतकों के साथ जायसवाल विनू मांकड़ और विराट कोहली के बाद एक ही टेस्ट सीरीज में कई दोहरे शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन के दम पर जायसवाल को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था और पहले ही मैच में धमाकेदार शतक जड़ा था। इतने छोटे टेस्ट करियर में यशस्वी रैंकिंग में टॉप 10 में आ गए हैं। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। फिलहाल यशस्वी IPL की तैयारियां शुरू कर चुके हैं और अब उनका लक्ष्य IPL में दमदार प्रदर्शन करके T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाना है। इंडिया TV क्रिकेट की रिपोर्ट।